सद्भावना प्राणियों में विश्व का जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की बद्री विशाल भगवान की 64 योगिनी माताओं की पूज्य स्वामी जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव करते समय शास्त्र में ये वर्णन है कि जो कन्याएं हैं हमारी माताएं उनको हाथ नहीं उठाना चाहिए और उनको हाथ जोड़ना चाहिए। पुरुष तो हाथ उठा सकते हैं दोनों, लेकिन कन्याओं को दोनों हाथ उठाने पे वर्जित किया गया है, क्योंकि ये धर्मशास्त्र का नियम है। तो जब हर हर महादेव का प्रसंग आए तो आप दोनों हाथ जोड़ लेंगे, ठीक, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग अपने जीवन में। आज जहां पर आप आकर के बैठे हैं ये शंकराचार्य जी महाराज का मठ है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहले यहाँ पे आ चुके हैं, हाथ उठाएंगे इधर। अच्छा, कितने ऐसे ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं यहाँ पर, लगभग प्रतिशत बराबर का है, 60-40 का रेशियो है लगभग। आप सभी संभवतः यही जोशी मठ के ही निवासी हैं। कोई ऐसा भी है इनमें से जो जोशी मठ से बाहर का रहने वाला हो, कोई है ऐसा? नहीं है संभवतः। आप है बाहर के? आज से नवरात्रि व्रत आरंभ हुआ है। नवरात्रि व्रत के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नवरात्रि एक ऐसा व्रत है जिसमें भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता दुर्गा की उपासना की जाती है और उनके उपासना का विविध स्वरूप है, अलग अलग पद्धति से उनकी उपासना करने की परंपरा है। तो भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि नवरात्रि में देवी की उपासना करने का, देवी की पूजा करने का, देवी की आराधना करने का अवसर उसको प्राप्त हो। हमारी बात आप सभी को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बहुत सरल बोल रहे हैं क्योंकि आपकी भाषा तो नहीं आती गढ़वाली, लेकिन हिंदी में सरलतम बोलने की कोशिश है ताकि आप समझ सकें। तो नवरात्रि में प्रत्येक सनातन धर्मी की ये इच्छा होती है कि वो भगवती की आराधना करे, देवी जी की पूजा करे। पूजा करने के विविध कई तरह के स्वरूप हैं, हर स्वरूप के अनुसार यहाँ पर पूजाएं परंपरा से होती हैं। आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ भी कलश स्थापन होता होगा, हेमंत तो सावन टीवी चैनल, कलश स्थापित कर दिया जाता है और चंडी पाठ किया जाता है। तो ये प्रत्येक हिंदू के घर में एक क्रम चलता है।